हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैसर। आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसर यूट्यूब चैनल। तो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए अडोब इलस्ट्रेटर का उर्दू में कंप्लीट कोर्स, तो जिसमें आप अडोब इलस्ट्रेटर के बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे। तो हम हर अपनी इस क्लास के अंदर साथ साथ प्रैक्टिस करके सीखेंगे चीज। तो बिलीव मी, अगर आप ये अडोब इलस्ट्रेटर सीख लेते हैं तो आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस में आप हजारों डॉलर जो है वो कमा सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में। इस अपनी क्लास नंबर 1 के अंदर हम सीखने जा रहे हैं अडोब इलस्ट्रेटर के कंप्लीट इंटरफेस को, अडोब इलस्ट्रेटर के मेन्यूज को, टूल्स को, पैनल्स को और उसकी मूवमेंट्स को, मतलब के सारा इंटरफेस जो है इस चीज को आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अडोब इलस्ट्रेटर की जो पहली क्लास है उसको करते हैं स्टार्ट। ओपन कर लेते हैं अडोब इलस्ट्रेटर को। तो जब तक ये ओपन हो रहा है अडोब इलस्ट्रेटर, मैं आप लोगों को अडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप जो है इनका थोड़ा सा डिफरेंस बताता चलता हूँ कि फोटोशॉप जो है वो उस पर काम होता है जी पिक्सल बेसिस और ज्यादा इमेजेस एडिटिंग ऐसी कहले के फील्ड के रिलेटेड काम होता है। अडोब इलस्ट्रेटर जो है इसमें जितना भी इलस्ट्रेशन के रिलेटेड काम होगा और वेक्टर बेस काम होगा वो इस पर हम करेंगे, लाइक आइकॉन डिजाइनिंग, कार्ड डिजाइनिंग, बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग, पोस्टर्स, वेब डिजाइनिंग, आप कह लें मोबाइल ऐप डिजाइनिंग, ये सारे काम हम इसके अंदर करेंगे। करते हैं जी, ये है जी मेन इंटरफेस अडोब इलस्ट्रेटर का। ये ऊपर जो आपको बटन नजर आ रहे हैं फाइल एडिट ऑब्जेक्ट टाइप, ये इसको बोलते हैं जी मेन्यू, मेन मेन्यू है जी इस टूल का, इस सॉफ्टवेयर का अडोब इलस्ट्रेटर का ये मेन मेन्यू है जी। ये लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है जी इसको बोलते हैं जी टूल बार, ये इसको बोलते हैं जी टूल बार। और ये राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं जी पैनल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये लेफ्ट साइड पे जो टूल बार है इसको अपनी आसानी के लिए ये जो ये वाले डॉटेड डॉट बने हुए यहाँ से पकड़ के आप जिस जगह मर्जी इसको मूव करवा सकते हैं अपनी आसानी के लिए, जिधर मर्जी इसको रख के काम कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस रख देता हूँ उधर ही जी, ये ले जी, ये वापस चला गया। अब हम वन बाय वन करके ये ऊपर जो मेन मेन्यू है इसको देखते हैं ये क्या है। मोस्ट लेफ्ट साइड पे ये आइकन है जी सॉफ्टवेयर का, ये होम है जी, इसको प्रेस करेंगे तो वापस आप इसी मेन विंडो के अंदर ही आप आ जाएंगे। और लेफ्ट वॉल में आपको बताता चलूं, अगर आपका भी ऐसे ये अडोब इलस्ट्रेटर का ये टूल बार और राइट साइड पे पैनल बार जो है वो अगर हाइड हो जाए तो आपने कहां से निकालना है, ये विंडो पे जाना है आपने, टूल बार एडवांस, तो ये आ गया वापस विंडो, वर्कस्पेस और ऑटोमेशन, ये ले जी, ये आपका वापस आ गया। तो सबसे पहले हम ये वन बाय वन करके मेन मेन्यू के जो एटम्स हैं, आइकॉन्स हैं, बटन्स हैं, इनको हम जान लेते हैं। ये पहले आता है जी फाइल, इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये न्यू है। अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी और कंट्रोल एन से भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओपन है, कोई ऑलरेडी बना हुआ आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको आपने ओपन करना है, या किसी इमेज को या किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो इससे या कंट्रोल ओ से भी आप ओपन कर सकते हैं। और ये एक्सपोर्ट है, एग्जिट करना है, मतलब ये चीज़ें हम साथ साथ भी जैसे जैसे अपनी क्लासेज में बढ़ेंगे अपनी जरूरत के साथ साथ भी ये चीज़ें हम देखते जाएंगे। उसके बाद आता है ये एडिट, एडिट के अंदर ये कह लें कि कॉपी पेस्ट कट स्पेलिंग और ये एडिट कलर्स प्रेफरेंस, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे बाद में, ये गाइड्स क्या है, ग्रिड्स क्या है, स्लाइसिस क्या है, ये बाद में हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी आपने कन्फ्यूज नहीं होना। अभी हमने फिलहाल इसका मेन इंटरफेस जो है इस सॉफ्टवेयर का उसी को हमने अभी देखना है। उसके बाद आता है ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये टाइप है, उसके बाद ये सिलेक्शन है, डिसलेक्ट, सिलेक्ट, इनवर्स, ये सारा कुछ इसके अंदर से रहेगा। ये जैसे जैसे हम इस सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करेंगे तो हम इन आइकॉन्स को, इन बटनों को भी देखेंगे, इफेक्ट्स है, 3D इफेक्ट्स है, पाथ है, ये ब्लर शेडर है, ये स्केच है, टेक्सचर वगैरह है, ये सारे हम जब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये इफेक्ट हम साथ साथ विजिट करेंगे। ये व्यू है, व्यू के अंदर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जो है मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, ये स्मार्ट गाइड जो है ना इसको ऑलवेज आपने चेक रखना है। इससे क्या होना है कि जब भी आप कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हैं, किसी चीज को ट्रेस कर रहे हैं या कोई कह लें कि ऑब्जेक्ट को ड्रा कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आपको ये कैलकुलेशन के हिसाब से राइट लेफ्ट ये स्मार्ट गाइड जो है ना बड़ी हेल्प करेगी, इसको आपने ऑलवेज चेक रखना है। उसके बाद विंडो है,
विंडो के अंदर भी अपने फंक्शन है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है कि आपने टूल बार कैसे निकालना है, ठीक है, बेसिक ये टूल बार और कंट्रोल वर्क स्पेस और ये सारे नीचे देखे लेयर्स जिस पे आप क्लिक करते जाएंगे ये देखिए वो चीजें आती जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया हमारा मेन्यू बार, उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे आता है टूल बार। टूल बार इसको हमने डिटेल में एक एक क्लास एक एक टूल पे मैं बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले है जी सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, कुछ मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये पेन टूल है, ये टाइपोग्राफी यानी टेक्स्ट आपने लिखना है, ठीक है, ब्रशेज वगैरह हैं और ये देखिए ग्रेडियंट वगैरह है, क्रॉपिंग है, जूमिंग इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपने हम एक एक इनका कहेंगे अलग अलग क्लास ट्यूटोरियल बनाएंगे और इनकी अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे। इसको हम छोड़ते हैं, अब आते हैं जी राइट साइड पे। राइट साइड पे क्या है, इसको बोलते हैं जी पैनल। ये देखिए ये एक्शन, ये कलर है, इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए तो ये ओपन होते जाएंगे। ब्रशेज हैं, ठीक है, ये ग्रेडियंट है, लेयर्स हैं, आर्टबोर्ड है। आर्टबोर्ड क्या है, चलो जी इसको ये राइट और लेफ्ट साइड के ये जितने भी हैं टूल बार और पैनल, इनको हम साथ साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो और हमारी कह लें कि तसल्ली हो जाएगी। हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी, मैं मेन इंटरफेस जो है ना इस पर आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ, वो आप कंट्रोल एन से भी कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ये फाइल पर जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए जी ये फाइल पे जाके न्यू पे मैंने किया क्लिक, ये देखिए ये नया डॉक्यूमेंट ओपन होने लगा। यहां से ये मेन चीज हमारी जो है ना वो स्टार्ट होती है। ये ऊपर भी आपको कुछ मेन्यू बार बटन नजर आ रहे होंगे, रिसेंट इसका मतलब है जो अभी आपने रिसेंटली काम किया वो शो होगा, जो सेव्ड आपने चीजें रखी हैं वो होगी। और यहां से देखिए ये मैं आपको रुक के बताता चलूं कि आपने जो भी आपने डिजाइन बनाना है, जो भी आपने ग्राफिक डिजाइन करना है, वो हमेशा किसी ना किसी मीडियम पे उसने जाके चढ़ना है जी। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहा हूँ तो ये हम कोई खेल नहीं रहे, क्योंकि हमने किसी ना किसी क्लाइंट के लिए इसको डिजाइन करना है। जब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मार्केट में वर्क करना है तो किसी ना किसी क्लाइंट के लिए हम काम कर रहे हैं, तो आपने एक बिजनेस कार्ड उसको डिजाइन करके दिया तो अब उसने जेब में रखना, उसने उसको प्रिंटिंग के कह लेंगे पूरे प्रोसेस से गुजारना है, यानी उस कार्ड ने जाके प्रिंट होना है, किसी ना किसी मीडियम पे जाना है। लेट्स सपोज ये मैं बताता हूँ फिल्म एंड वीडियो, इसमें आपने कोई ना कोई ग्राफिक्स किसी को क्रिएट करके दिया तो वो किसी ना किसी स्क्रीन पे उस ग्राफिक्स ने जाके चलना है, ठीक है। और अब ये वेब है, आपने कोई डिजाइनिंग की है वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट डिजाइन की है तो उसने किसी ना किसी ऑनलाइन कह लेंगे ब्राउजर पे उसने ओपन होना है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने सबसे पहले अपने क्लाइंट की जो है रिक्वायरमेंट है उसको देखना है कि मेरे क्लाइंट को क्या चीज रिक्वायर्ड है, जो डिजाइन उसको रिक्वायर्ड है वो किस चीज पे जाके अप्लाई होना है, किस चीज पे रन होना है, आया कि उसने प्रिंट होना है, आया कि वो किसी वीडियो के अंदर वो डिजाइन यूज होना है, वेब में यूज होना है, या कोई चीज वो मोबाइल के रिलेटेड है। लेट्स वो अगर वो मोबाइल के रिलेटेड आपको एप्लीकेशन डिजाइन करवाने के लिए आपको काम दे रहा है क्लाइंट, तो आपने ये देखिए यहाँ से डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट करने हैं। ये हर मोबाइल की अपनी रेजोल्यूशन है, ये इतने बाई इतने लिखी हुई है, ये आपने अकॉर्डिंगली देखना है। ये वेब है, ऐसे ये प्रिंट है, ये A4 साइज है, लेटर साइज है, ठीक है, फिल्म के लिए भी ऐसे ही है, ये देखिए रेजोल्यूशन दी हुई है, ये HDV 720 1080 4K UHD, ठीक है, ये आर्ट है, इलस्ट्रेशन है, इसके भी अपने साइजेस है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि एक और मैं टिप देता चलूँ कि आपने जब भी आर्ट एंड इलस्ट्रेशन इसमें कोई डिजाइन करना है, यहाँ से आपने कोई भी मतलब लेट्स वो मैं A4 साइज का लेता हूँ, कह लेंगे आर्टबोर्ड लेता हूँ। आर्टबोर्ड क्या होता है, एक वाइट अभी आपके सामने शीट ओपन होगी जिसके ऊपर आपने डिजाइनिंग करनी है, उसको बोलते हैं आर्टबोर्ड। तो आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जब ये काम करना है तो आपने ये यूनिट जो है ना वो आपने इंचज रखना है, ठीक है। जब भी आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का काम आपने करना है तो आपने ये एडवांस में जाके आपको बताऊं कलर आपने RGB हमेशा सिलेक्ट करना, बाय डिफॉल्ट भी ये सिलेक्ट है, ठीक है। दोबारा मैं आपको बताता चलूं, जब भी आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के रिलेटेड आपने कोई भी यानी कि कह लेंगे कोई आइकॉन डिजाइन करना है, कोई पोस्टर वगैरह डिजाइन करना है,
कार्टून वगैरह डिजाइन करना है तो आपने जो लेनी है यूनिट लेना है वो हमेशा इंचीज का लेना है, ठीक है। ये आर्ट बोर्ड है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। और ये प्रिंट का मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आपने प्रिंट कह लें कि मीडियम में कोई चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं तब भी आपने इंचज ही सिलेक्ट करना यूनिट, और कलर जो है ना आपने सी एम वाई के कलर ये लेने हैं, आर जी बी वाला लेना, सी एम वाई के ये कलर आपने चूज करने हैं जब आप प्रिंट में जा रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन इसके रिलेटेड आपको एक ये ए फोर और ये इंचज में यहाँ पे कर लेता हूँ यूनिट, और यहाँ पे आर्ट बोर्ड जो शीट है अभी मैं वन है, बाद में आपको दूसरी भी दिखाता हूँ। ये लेट्स सपोज मैं करता हूँ क्रिएट पे क्लिक, तो आपके सामने अभी ये आर्ट बोर्ड जो है ये पेपर जिस पे हमने डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए जी, ये लें जी, ये आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं रुक के आपको थोड़ी सी शॉर्ट चीज जो है ना वो बताता चलूं कि अगर आप प्रेस करेंगे जी अपने कीबोर्ड से जेड को तो ये मिरर जो है ना प्लस के साथ यानी जूम इन का इफेक्ट आपके सामने आएगा, तो आपने जेड को प्रेस करके रखना है और साथ में माउस के साथ क्लिक करना है इसको। ये देखिए ये और ज्यादा जूम हो रहा है पेपर आपका, और बहुत ज्यादा जूम करके भी आप अपनी डिजाइनिंग जो है कर सकते हैं। अगर इसको करना है आपने जूम आउट तो आल्ट और ये माइनस का देखिए साइन आपके सामने आ गया, इसको मैं करता हूँ क्लिक 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 आल्ट क्लिक क्लिक, ये देखिए ये अब छोटा सा हो गया। अब ये मेरा आर्ट बोर्ड जो है वो एक साइड पे जा रहा है, मैंने इसको पकड़ के सेंटर में करना, तो आपने स्पेस जो है वो प्रेस करके रखनी है और माउस के साथ पकड़ के इसको जिधर मर्जी, ये देखिए इसको मैं अगर रखता हूँ जी सेंटर में, ये नहीं जी यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो ये थोड़ी सी मूवमेंट है जो मैं आपको दिखाई है, और ये आगे चल के वीडियो दूसरे लेक्चर के अंदर साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और चीज़ों को सीखते भी जाएंगे। अब अगर आपने ये आर्ट बोर्ड जो है वन के बजाय ज़्यादा, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आपके अगर कह लें कि डिज़ाइन ऐसा है वो ज़्यादा पेजेस का है, यानी कि आप कोई कह लें कि मैगजीन वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, और आप डिज़ाइनिंग के दौरान चाहते हैं कि मैं ये देखूँ कि मेरे दूसरे पेजेस का डिज़ाइन भी कैसा चल रहा है, मतलब 8 से ज्यादा ये वाइट कह लेंगे आर्ट बोर्ड इसको बोलते हैं पेपर हैं डिजाइनिंग वाले, एक में करना कुछ भी नहीं है, सिंपल जिस जगह लिखा हुआ आर्ट बोर्ड इसको ये मैं दोबारा आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे जाके A4 पे इस पे आपने इसको बढ़ाना है इसकी तरह 1 2 3 4। लेट्स सपोज मैं इसको 4 करके फिर करता हूँ क्रिएट, तो ये आपके सामने चार जो है ना वो ये देखिए इक्वल साइज में चार आर्ट बोर्ड आपके सामने वो जनरेट हो गए हैं, जिसको मर्जी पकड़ के ये देखिए सामने ले आए आप और अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दें। तो ये इंटरफेस इस वीडियो के अंदर इस क्लास के अंदर मैंने आपको सिखाया। अगर वीडियो आई है पसंद तो इसको कर दें एक लाइक, नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे करें कमेंट बॉक्स के अंदर उसको कमेंट। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।